नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट पुचार्स। जैसे कि जियो फाइनेंशियल स्टॉक का प्राइस अब एक अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे हमारा जो आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको एक्टिवेट किया था एंड वहां पे हम डिटेल्स में वीडियो के थ्रू कवर किए थे कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है एंड आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। चैनल में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एक बार देख लीजिएगा। एंड हमारा जो आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कवर करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद, स्टॉक का प्राइस अभी कंटिन्यूएशन ऑफ मूव दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक लिस्ट होने के बाद अभी तक 74% रिटर्न डिलीवर कर चुका है। जैसे कि हमको पता है अगर एक स्टॉक का प्राइस एक बार अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है उसका अपसाइड अनलिमिटेड है। बस हमारा काम है जब भी स्टॉक का प्राइस पुल बैक करके उसका मेजर सपोर्ट के आसपास आएगा वहां पे एंट्री करना है, क्योंकि अगर अपर लेवल में एंट्री कर लेंगे तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर पुल बैक कर लेगा वहां पे आप पोजीशन को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हमेशा से जब भी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है सपोर्ट के आसपास बैक में एंट्री करेंगे तो हमारे लिए लो रिस्क रहेगा, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे कहां पे मेजर सपोर्ट बनना है इस स्टॉक का। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट वॉचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंसर्न है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्रमोटर के पास 47% होल्डिंग है, एफआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज किए हैं, डीआई डिक्रीज किए हैं एंड इंक्रीज कौन कर रहा है, रिटेल पब्लिक, जो कि एक कंसर्न का पॉइंट है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली का। देखिए स्टॉक का प्राइस के लिए यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा था 265 के आसपास। प्राइस जब भी देखिए इस ब्लू लाइन को टेस्ट कर रहा था, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड फाइनली देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। अगर आपके पास ये स्टॉक है नो डाउट आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री करंट लेवल के ऊपर आप एंट्री करेंगे तो रिस्क आपका वेरी वाइड बन जा रहा है। इसलिए हम एंट्री कहां पे करेंगे, अक्टूबर 2023 में। यहां पे प्राइस जो बॉटम फॉर्मेशन किया है ना, यहां पे अगर हम एक अंकड भैप को प्लॉट कर देंगे तो देखिए अंकड भैप अभी चल रहा है 280 के आसपास। अगर ये स्टॉक का प्राइस यहां पे पुल बैक करके 280 लेवल को टेस्ट कर लेगा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देखिए अभी के लिए मेजर सपोर्ट बन रहा है 280 एंड जो अंकड़ भी आपका लेवल है ना वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, जैसे प्राइस इधर पुल बैक करेगा नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं तो कंसोलिडेशन करेगा, उसी हिसाब से एवरेज प्राइस कैलकुलेट होकर ये ऊपर जाएगा। इसलिए जब भी प्राइस पुल बैक करेगा, पुल बैक करने के बाद इस अंकड़ भी आपको टेस्ट करेगा, अभी के लिए 280 है, शायद आने वाले टाइम में 290 हो सकता है, 300 हो सकता है। जब भी इस रेल लाइन को टेस्ट करेगा वहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस के लिए जो अंकड़ भी आप है ना, जो कि बॉटम के आसपास प्लॉट हुआ है, ये सबसे लो रिस्क जोन और यहाँ पे जो बिग बायर जो एग्रेसिव बाय किए हैं उनका एवरेज प्राइस है अंकड़ भी आप। ये जो अंकड़ भी आप यहाँ पे जा रहा है 280, बिग प्लेयर का एवरेज प्राइस यहाँ पे जा रहा है। अगर इस लेवल के आसपास आप एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क लो रहेगा एंड आने वाले टाइम में आपको रिवार्ड मिल जाएगा। जैसे कि जियो का बैकग्राउंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है रिलायंस ग्रुप का पार्ट है एंड आने वाले टाइम में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। बस हमारा काम है जो भी सपोर्ट के आसपास आएगा वहां पे एक्युमुलेशन करना है, जो कि अभी के लिए 280 के आसपास आ रहा है। अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ लेटेस्ट न्यूज आएगा वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।